राजा धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकाकी हुए उनकी इच्छा से मेरे व पांडु पुत्रों ने क्या दिया। धन्यवाद आपका, शुभ हो। आज का सुविधा सारी देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी हमारे देश को जोड़े। मैं फिर से दोहराती हूँ, सारी देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी हमारे देश को जोड़े। धन्यवाद आपका, दिन शुभ रहे। चलिए अब अपना भाषण द्वारा अभिका कुमारी हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाएंगे। बसी है हिंदी, मेरी माँ की बोली में भी बसी है हिंदी। मेरा बाल है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे मित्रों, मैं अभिका कुमारी कक्षा पांचवी बी की छात्रा हिंदी दिवस पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को बताते और सीखते हैं। हिंदी हमारे देश की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह हमारे देश की संस्कृति, साहित्य और भारतीय भावनाओं को सजीव रूप से प्रकट करती है। हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारा देश भाषाओं का संगम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदी के साथ हमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इस हिंदी दिवस पर हम सभी को हिंदी का महत्व समझकर उसे समृद्ध बनाने का संकल्प करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, भारत माता कहती हमसे कब अधिकार दिलाओगे, मातृभूमि का मान बढ़ाओ, हिंदी कब अपनाओगे। पुनः एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी भाषा। हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए शुभ दिन आए। गाने पर एक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति छात्राओं द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मंच पर स्वागत करते हैं। और
हिंदी देती हमें ज्ञान, हिंदी देती हमें पहचान, हिंदी हमारी प्यारी भाषा, हिंदी है हमारी न्यारी भाषा, हिंदी से हमारा गहरा नाता है, हिंदी ही हमारी जीवन दाता है, हिंदी हमारी प्रेम की भाषा, हिंदी है हमारी स्वाभिमान की भाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप हम बंगाली प्रदेश मित्रों से आपने कभी ताकत है बोलने जा रहा हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में पल है गो घोरी करे जब मल मल दो शरीर को दो संभाल का कर लो, और तू घर साफ नहीं कर सकती क्या? माँ जस्ट चिल,
अरे सुनती हो, मेरी चाय बनाई क्या? बना रही हूँ। अरे बहू, मेरी दवाइयाँ लाई क्या? कल ला दूंगी पापा जी। हमेशा कल कल करती रहती हो, काम चोर करेगी। माँ मेरी टी शर्ट कहाँ है? माँ मेरे जूते कहाँ है? मेरी चाय, मेरी दवाइयाँ। बस कीजिए सब कोई, कोई यहाँ से बोल रहा है और कोई वहाँ से, करो तो मैं अकेली क्या करूँ? काश मेरे पास भी एक काम वाली बाई होती तो कितना अच्छा होता। तो आपने देखा, इस घर में काम वाली बाई ना होने के कारण इनको आज उनकी कीमत पता चली। लोग देखते हैं और सुनते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं कहते। क्यों? ओहो, कहा जा रहे हो? थोड़ा हमारे साथ ही बैठ जाओ। जी, ये क्या बदतमीजी है? ओ लड़की, कभी इधर भी तो देख लिया करो। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़के सीटी बजाते हैं और पूछते हैं क्या गुनाह किया है। अपनी बहन की इज्जत करते हैं पर दूसरों की बहनों को शर्मिंदा कर पूछते हैं क्या गुनाह किया है। सत्य के पथ पर चलना और हमेशा सच बोलना शिक्षक हमें सिखाते हैं, पर क्या हम उन्हें वह आदर और सम्मान दे पाते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है।
मेरे प्यारे बच्चे, अपमान करना हमारा स्वभाव नहीं, सम्मान करना संस्कार है हमारा। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस कक्षा में शिक्षक का निरादर होता है, वहाँ विद्या नहीं आती। और जिस घर में माँ बाप का अपमान होता है, वहाँ खुशियाँ कभी नहीं आती। तो आइए हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं। आदर करना मतलब है हमारा, किसी का निरादर नहीं करेंगे दोबारा, सभी को सम्मान देंगे हम, माँ बाप क्या कोई करेंगे सारा। धन्यवाद। मैं आज यहाँ एक गौरवान्वित और आभारी छात्र के रूप में उन सभी को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया है। मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देकर शुरुआत करना चाहूँगी, जो हमेशा हमारी पहल का समर्थन करते रहे हैं और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं अपने माँ के सहकारी, गतिविधियों के प्रभारी गण, पर्यवेक्षी, प्रमुख शिक्षकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो हमारी अटूट समर्थन हमारी वृद्धि और विकास में सहायक है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ।